मित्रों ऐप में फेवरेट सॉन्ग को कैसे यूज किया जाता है, किस तरीके से आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं और इसका नया अपडेट भी आ गया है, सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कई सारे लोगों के मेरे पिछले वीडियोस में कमेंट आ रहे थे कि जो मित्रों ऐप है उसमें बहुत ही लेयर अभी अपडेट आए हैं, साथ ही इसमें फेवरेट सॉन्ग यूज़ करने का ऑप्शन भी आपको नहीं मिलता है। अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि फेवरेट सॉन्ग को कैसे आप ला सकते हो बिना किसी अदर्स एप्लीकेशन का यूज़ किए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर सर्च करना है मित्रों ऐप को, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि मित्रों ऐप जो अभी एक सप्ताह पहले की अगर बात करें तो इसे प्ले स्टोर ने हटा दिया था और ये वापस लगभग 5-6 दिनों के अंदर वापस ही प्ले स्टोर में आ गया है। क्यों हटाया था इसका मैंने रीज़न दिया है, ऊपर आई बटन में वीडियो दे दिया है, वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पर से मित्रों ऐप को आपको सर्च कर लेना है और आपको इसे अपडेट के साथ आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। आपको पहले अगर अपडेट नहीं किए होंगे तो आपको अपडेट कर लेना है। सिंपली आपको इसे अपडेट करने के बाद अब चलते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स मेरे एक वीडियो में अभी कमेंट आया था किसी का कि मित्रों आप मेरे फेवरेट सॉन्ग को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। चलो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप कैसे यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको नीचे एक म्यूजिक का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, आपको म्यूजिक पर चले जाना है। तो यहाँ पर हम म्यूजिक में चले जाते हैं सिंपली, और सिंपली म्यूजिक में जाने के बाद अब आपको करना क्या है, ऊपर आपको ऐड साउंड का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, आपको ऐड साउंड पे टिक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ऐड साउंड को टिक कर दिया। अब बहुत लोगों के कमेंट थे कि हम फेवरेट सॉन्ग का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो इमरान हाशमी का है, 3 यहाँ पर कुछ दिए हैं, 3 सॉन्ग नीचे भी आपको कुछ सॉन्ग दे दिया है। तो यहाँ पर ये 3 और है। अब अगर हम इसे रिफ्रेश करते हैं, आपको अपने उंगली से तो नीचे करना और इसे रिफ्रेश कर देना है। तो जैसे हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हो न्यू सॉन्ग हमको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर नीचे जो रिमिक्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आपको न्यू ऑप्शन, न्यू वीडियो, न्यू सॉन्ग देखने को मिल जाते हैं। फिर से हम अगर इसे रिफ्रेश करते हैं तो रिफ्रेश करने के बाद देख सकते हो फिर से हमें कई बात है, तो यहाँ पर लेवल अप, इस तरीके से आपको बहुत सारे सॉन्ग देखने को मिल जाते हैं। तो हम वॉइस को भी नहीं सुनाएंगे, लेकिन फिर से अगर रिफ्रेश करते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं तो आपको ऊपर के 3 सॉन्ग और नीचे का आपको 3 सॉन्ग आपको हर बार बदलते हुए दिखेगा, मतलब ये रिफ्रेश होकर न्यू सॉन्ग ले आता है। तो इस तरीके से आप अपने सॉन्ग को चूज़ कर सकते हो। तो फिर सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, अभी ये बिल्कुल टिकटॉक जैसा एप्लीकेशन नहीं बना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसे अभी कुछ दिन के लिए टिकटॉक ने मतलब इसे हटा दिया गया था प्ले स्टोर से। इसका रीज़न भी साफ था कि टिकटॉक जैसा सेम था। तो फ्रेंड्स अभी ये जो ये इंडियन एप्लीकेशन है ये तो अभी आपको मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पर से बात यह आती कि बहुत लोगों के कमेंट है कि पाकिस्तानी एप्लीकेशन है इसे नहीं रखना चाहिए, तो इसका भी रीज़न मैंने दिया है, ऊपर आपको आई बटन में दे दिया है, आप वीडियो को अच्छे से समझ लेना या फिर आपको यूट्यूब में कई सारे वीडियोज़ मिल जाते हैं। अब यहाँ पर फेवरेट सॉन्ग का तो रिमार्क हो गया है कि जो फेवरेट सॉन्ग कैसे यूज़ करें, अब ये तो गिने चुने ऑप्शंस हैं। और अगर हमको सर्च करके तो फ्रेंड्स अभी ये टिकटॉक जैसा तो अभी कोई भी इसमें आपको ऑफर नहीं दिखेगा, जो आपको टिकटॉक में दिखते हैं कि सर्च में जाके आप कोई भी फेवरेट सॉन्ग को लिखते हो और वो सर्च में आ जाते हैं नीचे और आप उसे चूज़ कर लेते हो, अभी इसमें ऐसा ऑप्शन तो नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जल्द ही इसमें भी ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपको टिकटॉक में दिखते हैं। ये अभी इंडियन एप्लीकेशन है और इसे अपडेट करना बहुत बाकी है और इसके बीटा वर्जन्स भी आने बाकी हैं। और मैं आपको इतना तो ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि 1 साल के बाद अगर इस एप्लीकेशन को आप देखोगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है और इसके बहुत ज़्यादा इसका यूज़ इसके जो बहुत सारे क्रिएटर बढ़ेंगे इसके अंदर, क्योंकि इंडियन एप्लीकेशन भी है और साथ ही बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा टिकटॉक के बाद, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे कमियां बाकी है। मैं आपको ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कमियां बहुत है इसमें, लेकिन जब भी अपडेट आएंगे बहुत ही अच्छे अपडेट आएंगे। यहाँ पर से आपको गिने चुने सॉन्ग मिलते हैं, लेकिन आपको रिफ्रेश कर देना है तो आपको बेहतर जो सॉन्ग आप लगा सकते हो अपने वीडियो पर और एक वीडियो बना सकते हो। तो इस तरीके से आप वीडियो को बना सकते हो और इसे अपलोड कर सकते हो
और अगर आपको चूज़ करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप कोई बात नहीं, अभी अपडेट नहीं आया है, जब भी न्यू अपडेट आता है उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, क्योंकि जब भी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आता है मैं आपको इस वीडियो में, आपको इस चैनल के जरिए जरूर बताऊंगा आप जो भी अपडेट आता है मित्रों। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग और भी अपडेट और वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।